इज विपिन सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ द रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैं आया हूँ व्लॉग करने के लिए। वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। हेलो गाइस, दिस इज विपिन सिंह, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जो मेरा लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं केपी फॉल्स जा रहा था, लेकिन प्लान में कुछ चेंज हुआ एंड फिर उसके बाद में मैं जा रहा था जैन वाटरफॉल, वो भी प्लान चेंज हुआ। तो ट्रैवल इज ऑल अबाउट यू नो ऑल द सरप्राइजेस। फिलहाल वहाँ पे मैंने वीडियो क्लोज कर दिया था, ये सेकंड मेरा व्लॉग है एंड अभी हम लोग ट्रैक करके आए हैं यहाँ पे, वहाँ से ट्रैक करके आए और ये भाई साहब भी हमारे साथ आ गए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे हम लोग भी जा रहे हैं टेंपल को एक्सप्लोर करने, क्योंकि नियर बाय लोकेशन था। मैं आपको इस व्लॉग में बहुत ही अमेजिंग सीन दिखाने वाला हूँ। टेंपल के पीछे काफ़ी ब्यूटीफुल सा लोकेशन है, मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा। एंड ये चारों तरफ ये लोकेशन है, आप देख सकते हो। ये जो लोकेशन है एग्जैक्टली, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैप का लिंक दे दूंगा। ये जो लोकेशन है ये बेसिकली मोरबे डैम से एकदम कनेक्टेड है। ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये मोरबे डैम है। तो मोरबे डैम से कनेक्टेड एक रास्ता गया है, वहाँ पे ये टेंपल है, चंडिका महाकाली टेंपल या तो फिर विट्ठल टेंपल। आप बोल के यहाँ पे आएंगे तो टेंपल के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। आने के लिए जो लोनावाला की तरफ जो हम लोग आते हैं, लोनावाला पुणे की तरफ फ्रॉम मुंबई, उसी रूट से आना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। थोड़ा सा ही आगे आना है, वहाँ पे आके एक लेफ्ट टर्न आएगा एंड हार्डली कुछ 750 मीटर या 850 मीटर कुछ है वॉक बाय वॉक। ऐसा इंक्लाइन ट्रैकिंग है, देख सकते हो। सो गाइस आप थोड़ा सा चढ़ के आप ऊपर आओगे, छोटा सा बस्ती जैसा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आने के बाद आपको सीधा नीचे की तरफ जाना है, स्लोप की तरफ। यहाँ पे स्ट्रेट जाओगे तो मंदिर का रास्ता आएगा। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पूरी गांव वाली वाइब आने वाली है। अभी आपने जो बीरोल शॉट्स देखा उसमें जो गांव की खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू, वो वाली खुशबू आ रही है। गांव के रास्ते से होके जो वॉल वाला रास्ता था, वहाँ के रास्ते स्ट्रेट अंदर आने के बाद आपको ये चार रास्ता मिलेगा। ये गांव का रास्ता है, मोरबी डैम का रास्ता है, ये जो रास्ता है आई गेस ये मंदिर के लिए है। तो वहाँ पे गेट है मंदिर का, तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे। So guys, अभी हम लोग यहाँ से जस्ट चल कर आए हैं यहाँ पे आगे। अभी तीन रास्ता हो जाता है, एक ये रास्ता और एक ये, बट आपको ये वाले रास्ते में जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगाया है श्री चंडिका महाकाली श्री विट्ठल मंदिर। मैं थंबनेल भी आज, अगर बोर्ड नहीं होता तो सीधा चला जाता था तो पूछ के जाते। फाइनली वी आर हियर। तो ये एंट्रेंस है। सो सारे दिन के अप्स एंड डाउन्स के बाद में हम पहुंच चुके हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर बंद है, दोपहर का टाइम इसलिए बंद है, शाम के टाइम खुलेगा। एक मंदिर है बहुत बड़ा सा, माता जी का मंदिर है एंड प्लस यहाँ पे भी एक बनाया हुआ है, बट ये आई डोंट नो, आई गेस ये शायद कक्ष होगा पंडितों का। बट ये दो टेंपल है जिसमें से मेन टेंपल ये है। यहाँ पे भी कुछ तो बनाया है, आई डोंट नो, बट इसके पीछे एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा जगह है एंड इसके राइट साइड में बहुत अच्छा सा व्यू है। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो जो सेंटर में जो वहाँ पे एक दिख रहा है क्लिफ जैसा दिख रहा है, छोटा सा एक बनाया है ट्रैजिक सा, तो वो दोनों नदी के बीचों बीच है। तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट राइड पे कभी आएंगे तो ये लोकेशन पे। तो आए थे कुछ और करने, बट बेसिकली यहाँ पे एक नया हम लोग को लोकेशन मिल चुका है एंड ये आपको जो माउंटेन दिख रहा है जो नीचे की तरफ गया है एंड जो उधर से आया उसके बीच में जो सामने वाला माउंटेन है उस तरफ है धोम लेक, वहाँ पे भी जाएंगे कभी। तो अभी हम लोग मोरबी लेक के थोड़ा क्लोज जाएंगे एंड थोड़ा सा अच्छा सा आपके लिए वीडियोग्राफी करेंगे। मैं उस तीन रास्ते पे आ चुका हूँ, ये वो रास्ता था मंदिर के लिए, यहाँ से हम लोग आए थे, ये रास्ता है मोरबे लेक के लिए। मिहिर भाई ऑलरेडी वहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। मैं इधर इसलिए आ गया थोड़ा पीछे क्योंकि यहाँ पे हवा थोड़ा कम चल रहा है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी,
क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। गाइस ये देखो व्यू, वहाँ पे कुछ लोग हैं देखो, वहाँ पे बैठ के मच्छी उच्छी पकड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बेसिकली है कि फैमिली वाले लोग हैं वहाँ पे। ये देखो व्यू, देखो व्यू, ओ माय गॉड, ओ एम जी, वीर व्यू देख, ओ वाओ, हाँ सीरियसली क्या मस्त है। आई गेस ये शमशान है। रास्ता काफ़ी ख़राब है गाइस, देखो संभाल के जाना है। गाइस हवा चल रहा है, हवा की वजह से शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना आए। इसे कहते हैं टेक्निक, छाता ऐसा रख के भी मैं भीग नहीं रहा हूँ। सो बेसिकली हो रही है बारिश उस तरफ से, उस डायरेक्शन से बारिश आ रही है। मैं और मीर यहाँ पे बैठे हैं अपने आप को बचाते हुए बारिश से, और ये सामने है मोरबी लेक। ऐसा कि गाइस सामने से बारिश आ रहा है, और सामने अगर आपको व्यू दिख रहा होगा तो जो बादल है वो हमारे तरफ धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है बारिश का। ये देखो अभी बारिश बढ़ रही है, बारिश बेसिकली ज़्यादा बढ़ गई है। मैं और मीर चुपके बैठे इधर एक पत्थर पे, बस यही है व्लॉगर्स लाइफ। हाँ मीर, बस यही व्लॉगर्स लाइफ। भी निकलने का टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बैठा। हम लोग 2 बजे आए थे, 2 बजे से लेके अब टाइम हो रहा है अराउंड 5 o'clock। और सीरियसली इतना स्कीनिक ब्यूटी है, इतना ज़बरदस्त माहौल है कि क्या ही बताऊँ। मैं तो खो गया हूँ, लिटरली यहाँ पे खो गए मैं और मीर। यहाँ पे बैठे थे जैसे कि कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा था कि बस बैठे जाओ बैठे जाओ। एनीवेज अगर यहाँ पे आपको आना है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप का, आप उसे देखकर यहाँ पे आ सकते हो। बाकी अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड दैट्स इट। मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी फूड डिलीशियस दिल से एंड लाइफ ऑफ द राइडर्स। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना।